आपको बड़ी खबर दें, जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की एक और बड़ी कामयाबी के हवाले से। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे, इसी पर बात करेंगे। कजाफी भट हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी भट, बड़ी मुलाकात हुई है, अहवाल बताइए। बिल्कुल जी, बड़ी मुलाकात हुई है और चूंकि मुराद रास डेमोक्रेट ग्रुप को लीड कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात के बाद उसके अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और इनके साथ जो डेमोक्रेट्स ग्रुप के और भी अरकान हैं वो तरीन ग्रुप के साथ जाएंगे। और इस मुलाकात के अंदर ये तय किया गया है कि ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार की जाएगी बल्कि ग्रुप को मजीद मजबूत करने के लिए जो है बाकी सूबों से भी जो अरकान असेंबली है उनके साथ रबते करके जिन जिन अरकान के साथ रबते हैं उन्हें भी इस ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है गजाफी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में अब्दुल अलीम खान ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर लिया है।